तो अभी अपन है जोधपुर स्टेशन। तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म हमने फिल कर दिया है। ये है अपने पीछे पाकिस्तान, तो इधर है इंडिया, और ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ पाकिस्तान। वेलकम टू पाकिस्तान। तो करेंसी हमने एक्सचेंज करवा दी, तो पाकिस्तान की तरफ से भी इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और मुझे ये मिल चुका है यात्री कार्ड। तो अभी अपन है जोधपुर स्टेशन पे, और अभी हमारी अमृतसर के लिए ट्रेन है, और हमारे भाई साहब हैं आज हमें ड्रॉप करने के लिए आए हैं। और एक्साइटेड मैं हूँ, उससे ज़्यादा ये है कि इन्होंने बोला वहाँ पे ये जाके करना, वो जाके लेके आना। सच बता रहा हूँ, अभी तक की जितने भी ट्रिप है, ये ट्रिप मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मैं जोधपुर राजस्थान से जाने वाला हूँ सीधा पाकिस्तान। तो ये है पीछे स्टेशन, और हमारी है अमृतसर के लिए ट्रेन। तो रात के 1 बजे के करीब हम पहुँच चुके हैं अमृतसर। अभी हमने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट निकलवा लिए, सबसे पहले ETA, उसके बाद में मेरी कोविड की रिपोर्ट RT-PCR 72 आवर्स की नेगेटिव, उसके साथ में कोविड के दोनों डोज लग चुके हैं, उसका सर्टिफिकेट, और ये सारी डॉक्यूमेंट्स कल सुबह रिक्वायर्ड होंगे, तो ये करना ज़रूरी था, तो इसका सब प्रिंट आउट करवा के फाइल में अटैच कर लिया। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30 और 6:10 पे है हमारी बस, और अभी हम होटल से निकल चुके हैं, तो जल्दी से पहुंचते हैं, ऑटो पकड़ते हैं। और एक चीज़ मेरे को अमृतसर में देखने को मिली, साला यहाँ पे हेलमेट कोई नहीं पहनता, मतलब आप आराम से मेन चौराहे पे जाएं या कहीं पर भी जाएं। अभी अपन पहुंच चुके हैं अमृतसर बस स्टैंड, और यहाँ पूछते हैं डेरा बाबा नानक के लिए बस। आई थिंक मैंने रिसर्च किया, 6:10 पे एक बस है और एक दूसरी है 6:50 पे, तो 6:10 वाली मिलनी चाहिए, क्योंकि 2 घंटे इस 50 किलोमीटर को कवर करने में यहाँ पे बस लगाती है। तो फिर जल्दी से बैठते हैं बस में। पहुँच चुके डेरा बाबा नानक, और यहाँ से ऑटो मिलेगी सीधा करतारपुर के लिए, और ये ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे थे, 6:10 पर हमारी बस स्टार्ट हुई थी, और अभी टाइम हो रखा है 8:30। तो देखो एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन है, या तो कॉफ़ी पीना या फिर जूस पीना, उसके बाद अपन ऑटो पकड़ के सीधा पहुँचते करतारपुर, क्योंकि आगे फिर 1.5 घंटे के प्रोसेस के बाद कुछ खाने को मिलेगा। वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, बट क्या करें, यहाँ पे कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल है उसी को हम पियेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पीछे आर्मी ऑफिसर आप देख सकते हैं, वो पासपोर्ट और ETA चेक करते हैं, उसके बाद एंट्री मिलती है। सारे ब्लॉग्स बनाए, इतनी जगह घूमा हूँ, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप और वो भी पाकिस्तान का, और इतना एक्साइटमेंट है, पता नहीं क्यों, यहाँ पे एक अलग ही वाइब भारी है। और बोलते कि मतलब 1 महीने हो गया ऑलमोस्ट मेरे को इस प्रोसेस में लगे हुए, और फाइनली टर्मिनल है पीछे मेरे, और मैं जा रहा हूँ एंट्री करवाने अंदर। और यहाँ पे मेरा इमिग्रेशन होगा इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से इमिग्रेशन इसके बाद होने वाला, मतलब अगला जो टर्मिनल है। तो यहाँ पे पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से पोलियो मुक्त नहीं है, इस वजह से ये। और वैसे ये तो सेम ही है जो बचपन में पीते थे हम, बड़े होने के बाद भी पीना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो इमिग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अभी अपन ये कस्टम डिक्लेयर फॉर्म भरेंगे, अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर सब चीज़ें भरनी पड़ेगी, क्योंकि अपन वहाँ पर क्या क्या कैरी कर रहे हैं वापस आते हैं, आई थिंक चेक होगा। तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म हमने फिल कर दिया है, 11,000 से ज़्यादा आप कैश यहाँ से कैरी नहीं कर सकते। तो इमिग्रेशन अपना कंप्लीट हो चुका है, और अभी अपन इस ई रिक्शा में जाने वाले हैं दूसरे इमिग्रेशन सेंटर पाकिस्तान। तो ये है अपना ई रिक्शा। चलिए जी, वैसे आप कहाँ से हो? जलंधर जिले। कन्फ्यूज़ कैसे हो? जलंधर जिले से। बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। ये है अपने पीछे पाकिस्तान। तो अपन अभी 0 लाइन क्रॉस करने वाले हैं,
जहाँ एक कदम पे पाकिस्तान होगा और एक कदम पे इंडिया। तो ये है वो नज़ारा, देख सकते हैं, ये है ज़ीरो लाइन। वेलकम टू पाकिस्तान, और वहाँ पाकिस्तान का फ्लैग है और ये है ज़ीरो लाइन। तो इधर है इंडिया और ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ पाकिस्तान। इंडिया में आपका स्वागत है, पाकिस्तान में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर, और अभी आगे और ई रिक्शा आएगी। अभी इंडिया का इमिग्रेशन हुआ कंप्लीट, पाकिस्तान का इमिग्रेशन होना बाकी है। तो वहाँ इमिग्रेशन होने के बाद अपन गुरुद्वारा साहिब और वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये ई रिक्शा देख सकते हैं पीछे आ ही गए। बाजी कितना दूर है यहाँ से अभी इमिग्रेशन है सर? तो आ चुका है वेलकम टू पाकिस्तान का बोर्ड, वेलकम टू पाकिस्तान। आप वैसे कैसे जाते हो शाम को? मुझे ले जाओगे 5 बजे के बाद घर पे? नहीं, मेरा मन हो गया कि यहाँ पे तो 2-4 घंटे में घूमूंगा, फिर उधर घुमाना कराची वगैरह लाहौर। तो ये आ चुका है पाकिस्तान का इमिग्रेशन सेंटर। इंडिया का कंप्लीट हो चुका, पाकिस्तान में इमिग्रेशन होगा, उसके बाद जाएंगे हम बाबा साहेब के दरबार। कोरोना वाली रिपोर्ट चेक करें, आरटीपीसीआर वगैरह ठीक है, वहाँ से बैंक में चीज जमा करें, ओके, वो इमिग्रेशन उसकी बैग सेफ के पास ले जाए, ठीक है। यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पे आरटीपीसीआर आपकी रिपोर्ट चेक की जाएगी। अगर आप नहीं करके आए तो रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं यहाँ से, और कोविड के दोनों डोज आपके लगे होने चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेट भी चेक किया जाएगा। तो यहाँ से कम्प्लीट हो चुका है। अब पीछे देख सकते हैं यहाँ का ये पाकिस्तान का इमिग्रेशन सेंटर है, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी करेंसी पैसों को चेंज करवाना है, क्योंकि यहाँ पे एक फ़ीस लगती है $20 की, और वो यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी। हमने एक गलती कर दी, वो $20 की फ़ीस अगर हम वहाँ से लेते इंडिया से तो हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है, यहाँ पे 500 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। 500 रुपये में यार थोड़ा मार्केट से कुछ ख़रीद लेते, और कुछ अपने को पाकिस्तानी रुपया भी चाहिए, क्योंकि उधर इंडिया रुपया चलता नहीं है ना। बट ठीक है, बस यही सब है। तो दोनों करेंसी चेंज करवाते हैं और फिर करते हैं आपसे बातें। ऐसे बातों का बड़ा शौक है हमें और तुम्हें सुनने का, तो सुनते रहो और वीडियो को देखते रहो। तो करेंसी हमने एक्सचेंज करवा दी, एक तो हमने $20 लिया है, उसके साथ बाकी जो पैसे बचे हमने इसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट करवाया। 1000 इंडियन रुपीज़ में अपने को 1900 ऐसा कुछ करके पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे, मतलब डबल है पैसा। अब देखते हैं 1000 रुपये इंडिया के और 2000 पाकिस्तान में क्या अपन शॉपिंग कर सकते हैं। अंदर एक मार्केट भी है पाकिस्तान का, तो वो भी एक्सप्लोर करने वाले। तो सबसे पहले ये $20 है जो यहाँ पे काउंटर पे जमा करवाते हैं, जो गुरुद्वारे की फ़ी है। $20 की जब फीस आप जमा कराओगे तो एक ऐसी पर्ची देंगे, जो एक पर्ची यहाँ पे जमा होगी और दूसरी अपने पास रख लो। तो यहाँ पे अगर आप इंडिया से जाकर डॉलर कन्वर्ट करवाओ के लाओगे $20, तो आपको 1500 के आसपास हो जाएगा, और यहाँ पे 2000 के आसपास, मतलब 400-500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से भी इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, और मुझे ये मिल चुका है येलो यात्री कार्ड। ये मेरी आइडेंटिटी है पाकिस्तान में कि मैं इंडियन हूँ, और बाकी अभी वहाँ डॉक्यूमेंट चेक कुछ भी नहीं होने वाला। और अभी सीधा बाबा साहब के दरबार दर्शन करेंगे, और उसके बाद अपन वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ के जो सोल्जर का बिहेवियर था ना, वो बाई गॉड इतना स्वीट था, और मतलब इतना ऐसे वो सामने से मतलब हमें एक ऐसे मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात लगी। और वैसे ये बस है, तो ये बस जाने वाली है। क्या नाम है आपका? जहीर अब्बास। ओके जहीर, कहाँ से हो पाकिस्तान में? नजदीक ही है, पैदल ही आ जाते हो? मोटरसाइकिल पे आते हो? ये कौन सी नदी है? ये दरिया रावी भाई। कहाँ से आती है? ये आती है इंडिया से, आती है जम्मू कश्मीर से। तो ये पानी पाकिस्तान में यही पानी पीते लोग? नहीं नहीं। तो ये हमारे बोरिंग की हुई है, वो नीचे से पानी निकालते हैं। इतना थोड़ी पानी है, इतना बोरिंग से पानी हो जाता पूरा? हाँ। नदी कितनी है पाकिस्तान में? इधर तो काफी है, 5 नदियाँ तो पंजाब में है ना। सेम ही है, मतलब जो इंडिया में पंजाब एक और पंजाब पाकिस्तान में, आधा आधा, आधा आपने ले लिया आधा हमें दे दिया। हमारे पास ज्यादा है, ज्यादा है।
वेलकम टू गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर। और सब इतना खुश हुए मुझे देख के कि कौन सा चैनल है, सब चैनल का नाम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जियो एयरटेल कुछ भी नहीं चल रहा, सारी सिम ब्लॉक हो चुकी है, सिग्नल विग्नल कुछ नहीं आता। और यहाँ पे जैसे बॉलीवुड की मूवी देखते हैं यहाँ पे लोग। तो अभी हमें मिले हैं कुछ पाकिस्तान से दोस्त हमारे। तो ये है पाकिस्तान का मार्केट। टेस्टिंग कितनी की बजी यार, इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे हो। सेठ जी घी में बनता है, देसी घी में, फेवर देसी। तो ये पाकिस्तानी दो नोट इनको दिए जा रहे हैं। अरे यार ये तो हमारे उधर पता है, लेते ही नहीं, गायों को देते हैं। भला हो भाई का, वरना आज की रात मेरे हिसाब से मेरे को इधर गुजारनी पड़ती।